everyone, guys, welcome back to my channel Indian Stunning Diva, all about fashion, beauty and home. So guys, आ गई हूँ मैं फिर से एक बार आप सब लोग के लिए बहुत ही interesting सा and awesome सा video लेकर, जिसमें कि मैं आपको आज एक बहुत अच्छा सा hack and DIY बताने वाली हूँ. ये video मेरे उन सभी friends के लिए है जो उन्होंने अभी अभी makeup स्टार्ट किया है, मतलब जो कि मेकअप बिगिनर्स हैं, मेकअप लवर्स हैं, उनके लिए. और वो अभी इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं अपने मेकअप प्रोडक्ट्स में, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही फैंटास्टिक एंड बहुत ही अच्छा होने वाला है. आज मैं आप सबको एक मेकअप डी आई वाई मेकअप सेटिंग स्प्रे के बारे में बताऊंगी, एंड वो क्या होता है, कैसे वर्क करता है एंड कैसे हम उसे इजीली बिना किसी ज़्यादा खर्चे के घर में बना सकते हैं खुद से. मैं आपको इस वीडियो में वही बताने वाली हूँ. तो गाइज, अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और लाइक करने के बाद जो नीचे सब्सक्राइब बटन दिया है उसको क्लिक करना प्लीज़ मत भूलिएगा. एंड नोटिफिकेशन आपको तभी आएगा जब आप बेल बटन को भी प्रेस कर देंगे. और गाइज, मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि मेकअप लवर्स हैं उनके साथ शेयर ज़रूर करिएगा, बिकॉज ये वीडियो बहुत ही फैंटास्टिक होने वाला है. बिकॉज हम इजीली घर में वही DIY मेकअप सेटिंग स्प्रे जो कि हमें मार्केट में मिलता है बहुत ही कॉस्टली एंड बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव, उन्हीं इंग्रेडिएंट्स के साथ, हम बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ हम उसे इजीली अपने घर में बना सकते हैं, और जो कि जो हमें वर्क भी वैसे ही, जो हमें जब हम उसे यूज़ करेंगे तो वो हमें वैसे ही फिनिश एंड वैसा ही इफ़ेक्ट देगा जैसे कि हमें मार्केट में मेकअप सेटिंग स्प्रे देते हैं. तो आइए चलिए इस वीडियो को जल्दी से देखते हैं कि इस वीडियो में हमें मेकअप सेटिंग स्प्रे बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है और हमें इसे कैसे बनाना है. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. मेकअप सेटिंग स्प्रे बनाने के लिए हमें जिन भी चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आज अभी आप बता देती हूँ. पहले तो हमें चाहिए एक स्प्रे बॉटल, और ये मेरी स्प्रे बॉटल 30 ml की है. आप किसी भी साइज़ की स्प्रे बॉटल ले सकते हैं, एंड इसमें मैंने हाफ बॉटल आप देख सकते हैं पानी फिल कर लिया है. ये वाटर आपका या तो डिस्टिल्ड वाटर होना चाहिए या RO प्योरीफाइड वाटर होना चाहिए. गाइज, ये नॉर्मल टैप वाटर नहीं होना चाहिए. इस चीज़ को आप प्लीज़ ज़रूर ध्यान दीजिएगा, एल्स ये उतना ज़्यादा वर्क नहीं करेगा जितना मेकअप सेटिंग स्प्रे वर्क करना चाहिए, उतना ये वर्क नहीं करेगा. देन हमें चाहिए गुलाब जल. मैंने खादी का ये रोज़ वाटर लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी गुलाब जल ले सकते हैं. देन मैंने यहाँ पे ग्लिसरीन ली है, ये मैंने मेडिकल स्टोर से परचेज किया, आपको इजीली कहीं किसी भी मेडिकल स्टोर पे या शॉप पे मिल जाएगी. देन मैंने यहाँ पे एलोवेरा जेल लिया है, ये मैंने पतंजलि एलोवेरा जेल लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी एलोवेरा जेल ले सकते हैं. आप अगर चाहें तो आप नेचुरल एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं, बस उसका जो आप जेल निकालिएगा वो बहुत ही स्मूथ होना चाहिए, क्योंकि जब हम एलोवेरा से प्लांट से जेल निकालते हैं तो वो उतना स्मूथ नहीं हो पाता है. तो बस इतनी कोशिश करना, वो आपके स्प्रे बॉटल में फंसेगा और वो उतनी अच्छी आपको फिनिश नहीं दे पाएगा. तो आप कोशिश करिएगा कि आप ऐसा एलोवेरा जेल लें, नहीं तो अगर आप नेचुरल ले रहे हैं तो वो बहुत स्मूथ टेक्सचर. एंड यहाँ पर मैंने लिया है ग्रीन टी. ये गाइस ग्रीन टी है, मैंने इसको बहुत अच्छी, ये ब्रूड ग्रीन टी है, मैंने इसको बहुत अच्छे से पानी को 10 मिनट उबाल के और इसमें ग्रीन टी लीव्स डाल दी थी इन्फ्यूज़ होने के लिए, एंड देन मैं इसको यूज़ करूँगी. मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि ये ग्रीन टी, मैं यहाँ पे आपको दो तरीके से मेकअप सेटिंग स्प्रे बनाना बताऊँगी. एक मेकअप सेटिंग स्प्रे होगा जो कि नॉर्मल एंड ड्राई स्किन वालों के लिए होगा, एंड जो सेकंड मेकअप सेटिंग स्प्रे होगा, सेकंड मेकअप सेटिंग स्प्रे में बस आपको ये करना है कि उसमें एक इंग्रेडिएंट ऐड कर देंगे हम, वो होगा ग्रीन टी, जो कि ऑयली सेंसिटिव एंड कॉम्बिनेशन स्किन, तीनों स्किन वाले इसको आराम से समर्स में यूज़ कर सकते हैं ताकि उनके कोई एक्ने प्रॉब्लम ना हो एंड ब्रेकआउट्स ना हो एंड पिम्पल्स भी ना हो. तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मेकअप सेटिंग स्प्रे आखिर करता क्या है. मेकअप सेटिंग स्प्रे हमें हेल्प करता है कि जब हम मेकअप अप्लाई करते हैं तो मेकअप सेटिंग स्प्रे के यूज़ से आप अपने मेकअप को और भी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हैं, एंड वो हमें हेल्प करता है कि हमारे मेकअप को वो एक जगह
स्टे रखने में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मेकअप सेटिंग स्प्रे हमारे मेकअप को लॉक कर देता है। यस, इट लॉक्स आवर मेकअप इन अ प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम विद अ फिनिश्ड एंड स्मूद लुक। जब हम मेकअप सेटिंग स्प्रे अप्लाई करते हैं तो वो हमारे मेकअप को एक जगह स्टिक कर देता है, स्टे, ताकि हमारा मेकअप एक जगह स्टे रहे और लॉन्गर टाइम के लिए स्टे रहे। सेटिंग स्प्रे हमारे हमारी स्किन से जब हम मेकअप अप्लाई करते हैं, फाउंडेशन हम अपने अप्लाई किया, अपना कॉम्पैक्ट अप्लाई किया, आई शेडो, ब्लशर, हाईलाइटर, लिपस्टिक, आईलाइनर, मतलब पूरा फुल फेस मेकअप आपने किया, तब उसके बाद हमें मेकअप सेटिंग स्प्रे को अप्लाई करना होता है। जस्ट ओनली 3 to 4 स्प्रेज हमें अप्लाई करना होता है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। एंड मेकअप सेटिंग स्प्रे हमें हेल्प करता है जब हमारा मेकअप को मेकअप सेटिंग स्प्रे फेड अवे नहीं होने देता है। एंड मेकअप की वजह से कुछ लोगों की स्किन कभी कभी पैची सी लगने लगती है, बहुत ड्राई हो जाती है, तो मेकअप सेटिंग स्प्रे हमारी इस चीज़ में भी हेल्प करता है कि हमारे फेस को, हमारे मेकअप को पैची एंड ड्राई नहीं होने देता है वो, एंड एक ड्यूई इफेक्ट देता है एंड फिनिश्ड लुक देता है आपको। एंड साथ ही साथ मेकअप सेटिंग स्प्रे के हेल्प से आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि जैसे कि कभी कभी हमारे आई शेडोज के जो पैलेट्स होते हैं एंड ब्लशेस के पैलेट्स होते हैं या हाइलाइटर है आपके, वो कभी कभी उसमें से जो पिगमेंट्स होते हैं वो बहुत लाइट हो जाते हैं, उतना पिगमेंटेड वो नहीं रह जाते, तो आप सिंपली अपने ब्रश पे मेकअप सेटिंग स्प्रे के कुछ स्प्रे, एक दो स्प्रे करिए एंड देन आप उस ब्रश को या आप अपने हाइलाइटर में ऐसे करके अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा पिगमेंटेड कलर वो मिलेगा आपके मेकअप सेटिंग स्प्रे से। तो चलिए देर नहीं करते हैं और फटाक से देखते हैं कि इस DIY ऑसम से मेकअप सेटिंग स्प्रे को हमें कैसे बनाना है। 2.5 स्पून ग्रीन टी ली है, उसके बाद हमें इसमें मिक्स करना है ये गुलाब जल, जिसमें मैं गुलाब जल मिक्स करूँगी 1 स्पून, 1.5 स्पून आप मिक्स कर लीजिए, अच्छे से आप चला लीजिए। देन गाइज इसमें मैं मिक्स करूंगी 1 टेबल स्पून हमारा एलोवेरा जेल। इसको मिक्स करने के बाद अब गाइज इस चीज को आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि अगर आपकी स्किन ड्राई है देन तो आप जो भी इसकी ग्रीन ये ग्लिसरीन की क्वांटिटी है वो आप थोड़ी ज़्यादा कर सकते हैं, एल्स अगर आपकी स्किन मेरी तरह ऑयली है या सेंसिटिव या कॉम्बिनेशन है तो आप ग्लिसरीन की कुछ ड्रॉप्स डालिएगा, 1, 2, 3, 4 एंड यहाँ 6 to 7 ड्रॉप्स मैंने ली हैं सिर्फ ग्लिसरीन की, क्योंकि समर सीजन स्टार्ट होने वाला है तो बहुत ज़्यादा अगर आप ग्लिसरीन लेंगे, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप हाँ 9 to 10 ड्रॉप्स ले सकते हैं ग्लिसरीन की, लेकिन अगर आपकी सेंसिटिव ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन है तो आप बहुत ज़्यादा मत लीजिएगा ग्लिसरीन, क्योंकि वो फिर आपके फेस पे जब आप एप्लीकेशन करेंगे मेकअप सेटिंग स्प्रे का तो आपके फेस को बहुत ऑयली एंड बहुत ही मतलब ग्रीसी बना देगा, तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैंने ग्लिसरीन बहुत ही कम ली है। तो ये एक चीज़ जो मैंने आपको बताया था, मैं दो टाइप का बताऊंगी आप गाइज, मैं इस कंटेनर में मतलब इस बॉटल में ये जो मैंने मिक्सचर प्रिपेयर किया है इसको मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी। हमारा मेकअप सेटिंग स्प्रे बन के तैयार है, आपको इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है जब आप इसको यूज़ करेंगे बहुत अच्छे से, बिकॉज इसमें एलोवेरा जेल पड़ा है जो कि अभी अच्छे से मिक्स नहीं हो पाया था, इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा गाइज, ताकि ये अच्छे से इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं आपके मिक्सअप हो जाए। एंड ये हमारा मेकअप सेटिंग स्प्रे DIY मेकअप सेटिंग स्प्रे, आपने देखा इसमें कितना कम मतलब कि बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी आपने नहीं किया और आपका ऑसम सर DIY मेकअप सेटिंग स्प्रे घर पे तैयार हो गया है। अब मैं आपको बता दूं आप इसको कैसे स्टोर कर सकते हैं, आप इस अगर आपके पास फ्रिज है तो आप इसे 1 मंथ के लिए इस स्प्रे बॉटल में बना के आप फ्रिज में अपने रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर सकते हैं 1 मंथ के लिए, लेकिन अगर आपके पास फ्रिज नहीं है तो 2 weeks या 2.5 weeks के लिए आप बनाइए, बहुत इफेक्टिव है गाइस, ट्रस्ट मी दिस इज 100% इफेक्टिव एंड 100% वर्किंग। आपको जो आपके सेटिंग स्प्रेज मार्केट में आपको मिलते हैं शॉप्स पे मिलेंगे कॉस्टली सेटिंग स्प्रे, उन्हीं की तरह ये काम करता है एंड
इसका एप्लीकेशन बहुत इजी है, इसका प्रिपरेशन बहुत इजी है, आपने देखा मैंने आपको बना के दिखाया अभी। एंड अब मैं बताती हूँ आपको कि आपको इसको अप्लाई कैसे करना है। गाइज जैसे कि आपने मेकअप अपना सारा अप्लाई कर लिया, जो भी आप मेकअप में लगाना चाह रही हैं, फाउंडेशन, ब्लश, कॉम्पैक्ट, लाइनर, लिपस्टिक, एवरीथिंग, देन आपको इफ़ इन केस ये आपका फेस है एंड आपको ये जो आपका बॉटल होगा ये 1 हैंड डिस्टेंस पे रखना है अपने फेस से, एंड देन जस्ट सिंपली आपको 3 to 4 स्प्रेज देने हैं लाइक दिस, एंड आपका पूरा फेस बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से अभी कुछ सेकंड्स में ये आपके स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। एंड आपको ये मैं हैंड्स पे मल रही हूँ, आपको फेस पे ऐसे मलने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली विद इन फ्यू मिनट्स ये एब्जॉर्ब हो जाएगा आपकी स्किन में एंड बहुत ड्यूई एंड फिनिश लुक देगा आपको आपके मेकअप के साथ, एंड आपके मेकअप को बहुत अच्छे से हेल्प करेगा कि वो ज़्यादा देर तक स्टे करे तो प्लेस पे। तो गाइज ये है मेरा DIY मेकअप सेटिंग स्प्रे। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग से कंटेंट के साथ एंड टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। सो टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।